जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकर्स बाय डोरिस लेसिंग, हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया था, जिसमें गूल्ड स्टीफन वाज गिविंग ऑर्डर्स, हरी हरी हरी, कि बूढ़ा स्टीफन एक कमांड दे रहा था कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम उस चैप्टर को डिस्कस किया था। आप जो लेक्चर नंबर 1 है उसकी स्लाइड्स भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी इंट्रोडक्शन वगैरह चैप्टर का, उसकी ऑथरेस का, वहाँ से आपको मिल सकता है। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स वगैरह खोल लें और इस पैराग्राफ के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो दोबारा चले गए। द टू वाइट मैन, दो सफेद आदमी, विद देम, उनके साथ शामिल हो गए। वो दोबारा चले गए और दो सफेद आदमी उनके साथ शामिल हो गए। अब यहाँ पे जो दो सफेद आदमी हैं वो ओल्ड स्टीफन और रिचर्ड की बात कर रहा है वो। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद मिनटों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक, धुआं और फायर, आग का राइजिंग उठ रहा था फ्रॉम ऑल अराउंड, हर तरफ से, द फार्मलैंड, खेतों से, और खेतों के हर तरफ से आपके धुएं को उड़ते हुए मार्गरेट देख सकती थी। इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा, मेंट से करेंगे कि खेतों के हर तरफ से आपके धुएं को उड़ते हुए मार्गरेट चंद मिनटों में देख सकती थी। पाइल्स ऑफ वुड, पाइल्स का मतलब होता है ढेर, ऑफ वुड, लकड़ियों के, एंड ग्रास, और घास के, हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, हैड बीन प्रिपेयर्ड का मतलब है कि वहां लगाए जा चुके थे, कि लकड़ियों और घास के ढेर वहां लगाए जा चुके थे। देयर वर सेवन पैचेस ऑफ बेयर सॉइल, सेवन पैचेस। अब इसमें पैच का मतलब किता भी होता है, टुकड़ा भी होता है, खेत भी होता है, तो हम यहाँ पे खेत ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए, कि देयर वर सेवन पैचेस ऑफ बेयर सॉइल। बेयर सॉइल का मतलब है कि नंगी जमीन, वो जो बिल्कुल एक साफ सुथरी जमीन थी, कि जहां पर अभी उन्होंने फसलें अभी उगाना शुरू ही की थी, छोटे छोटे पौधे जो है वो अभी लगे हुए थे, तो वो बेयर सॉइल है, कि जो ऊपर से अभी जमीन नजर आ रही थी मुकम्मल तौर पे, अभी फसलें बड़ी भी नहीं हुई थी। तो देर वर सेवन पैचेस ऑफ बेयर सॉइल, नंगी जमीन के सात टुकड़े थे, ये सात खेत थे। येलो कलर एंड पिंक, उनका रंग पीला और गुलाबी था। वेयर द न्यू मेलीज, बच्चों मेलीज का मतलब होता है मकई की कॉम्पलें, यानी कि अभी वो उग रही हों, छोटे छोटे से अभी वो पौधे हों, बिल्कुल छोटे से, तो वो कॉम्पल बनती है पहले, फिर वो बाद में खिल के वो पूरा एक पौधा बनता है। तो वेयर द न्यू मेलीज वर जस्ट शोइंग, जहां पर मकई की नई कॉम्पलें वर जस्ट शोइंग, अभी नजर आ रही थी। मेकिंग अ फिल्म, फिल्म का मतलब है तय, ऑफ ब्राइट ग्रीन, शफाफ रंग की तय बना रही थी। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, एंड अराउंड, और उनके इर्द गिर्द, ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड, ड्रिफ्टेड अप का मतलब है कि ऊपर उठ रहा था थिक क्लाउड, घना बादल, ऑफ स्मोक, धुएं का, और उनके इर्द गिर्द धुएं का एक घना बादल ऊपर उठ रहा था। दे वर थ्रोइंग वेट लीव, वो गीले पत्ते फेंक रहे थे, ऑन टू द फायर, आग पर। नाउ अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे, टू मेक इट एक्रेट, बच्चों एक्रेट का मतलब होता है कड़वा, एंड ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है स्याह। दे वर थ्रोइंग वेट लीव ऑन टू द फायर, नाउ अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे उसे कड़वा और स्याह बनाने के लिए, किसे, धुएं को। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग, अब वहां एक लंबा लो क्लाउड एडवांसिंग, लो क्लाउड कम ऊंचा बादल एडवांसिंग आगे बढ़ रहा था। अब वहां एक लंबा लो क्लाउड कम ऊंचा बादल एडवांसिंग आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, स्टिल का मतलब अभी तक, कि अभी तक उसका रंग रस्ट नारंगी था, अभी तक उसका रंग नारंगी था। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट, स्वेलिंग फैल रहा था, फॉरवर्ड आगे, एंड आउट और पीछे।
वो आगे और पीछे फैल रहा था एज शी लुक्ड, जैसे ही उसने देखा। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स, हमसायो, क्विक जल्दी करो, क्विक जल्दी करो, देयर कम द लॉकर, टिड्डियां आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड। अच्छा, हैड हैड हिज क्रॉप ईटन का मतलब है कि उसकी फसल को जमीन से चट कर गई थी। ठीक है, बूढ़े स्टीफन के जो खेत वगैरह लगाए हुए थे उस फसल की बात कर रहा है कि ओल्ड स्टीफन हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड जमीन से, कि बूढ़े स्टीफन की फसल को जमीन से चट कर गई थी, खत्म कर गई थी, खा गई थी। क्विक जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी आग जलाओ ताकि धुआं पैदा हो। ठीक है, और वो धुएं से डर के वो भाग जाएं, टिड्डियां नीचे ना उतरें। फोर, क्योंकि ऑफ कोर्स, बेशक। व्हाइल एवरी फार्मर होप्ड, हर किसान की ख्वाहिश थी, क्या ख्वाहिश थी, द लॉकर्स वुड ओवरलुक, ओवरलुक होता है नजरअंदाज करना, कि टिड्डियां नजरअंदाज कर दें हिज फार्म, उसके खेत को, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले खेत में चली जाए। इट वॉज ऑनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, इट वॉज ऑनली फेयर, इट वॉज ऑनली फेयर का मतलब है कि ये भलाई की बात थी, टू वॉर्न ईच अदर, एक दूसरे को आगाह करना, एक दूसरे को आगाह करना भलाई की बात थी। वन मस्ट प्ले फेयर, एक आदमी को खैर ख्वाह होना चाहिए। एवरीवेयर, हर तरफ, 50 miles, 50 मील ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड देही इलाके के 50 मील के अंदर, द स्मोक वॉज राइजिंग, धुआं उठ रहा था, फ्रॉम मेरियड्स ऑफ फायर्स, मेरियड्स का मतलब है अनगिनत, बेशुमार, और फायर आग के अलाव थे। देही इलाके के 50 मील के अंदर हर तरफ से द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम मेरियड्स ऑफ फायर, आग के अनगिनत अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल, मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल, और कॉल के दरमियान, शी स्टूड वॉचिंग द लोकल, वो खड़े होकर टिड्डियों के लश्कर को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीख हो रही थी या फिजा तारीख हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब तरह की तारीकी। फोर, क्योंकि द सन वॉज ब्लेजिंग, कि सूरज चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ड फायर, इट वॉज लाइक द डार्कनेस, ये तारीकी की तरह थी, ऑफ अ वेल्ड फायर। बच्चों, वेल्ड मतलब होता है घास का मैदान, फायर होता है आग लगी हुई, तो ये घास के मैदान में लगी हुई आग की मानिंद तारीकी थी। व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मॉग, जब हवा या फिजा धुएं से, गेट्स थिक का मतलब है बोझल हो जाए, भारी हो जाए, हर तरफ धुआं ही धुआं जो है वो नजर आए। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सनलाइट सूरज की रोशनी कम्स डाउन नीचे आ रही है, डिस्टॉर्टेड मसख शुदा यानी टूटी फूटी, तो सूरज की रोशनी मसख शुदा हालत में, टूटी फूटी हालत में नीचे आ रही है। अथिक हॉट ऑरेंज, अथिक वो घनी, हॉट शोख ऑरेंज नारंगी रंग की थी। ऑपरेसिव, इट वॉज टू, अब इसमें ऑपरेसिव का मतलब है कि फिजा बोझल थी, भारी थी, क्योंकि हर तरफ धुआं ही धुआं था। टू भी, विद द हैवीनेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, तूफान के ज्यादा होने से फिजा बहुत ज्यादा बोझल थी, यानी तूफान मतलब कि वो जो धुएं का तूफान था, बादल वगैरह थे धुएं के। द लॉकर्स वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां तेजी से आ रही थी। Now half the sky was darkened. अब आधा आसमान तारीक हो चुका था। Behind the reddish veins in front, behind पीछे, the reddish सुर्खी मायल, veil नकाब के, in front सामने, सामने सुर्खी मायल नकाब के पीछे,
यानी सामने वाली जो टिड्डियां थी वो सुर्खी माल नजर आ रही थी, यानी उनके पीछे। विच वर द एडवांस गार्ड, एडवांस गार्ड हर अब्बल दस्ता ऑफ द स्वाम लश्कर का, तो क्या कि सुर्खी माइल नकाब, सामने सुर्खी माइल नकाब के पीछे, विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्वाम, जो के उस लश्कर का हर अब्बल दस्ता समझे जाते थे, द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, द मेन स्वाम बड़ा लश्कर बुनियादी लश्कर शोड नजर आ रहा था इन डेंस घने ब्लैक क्लाउड स्याह बादल की तरह, रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, कहते हैं वो खुद आसमान की तरफ तकरीबन बढ़ रहा था, वैसे लग रहा जैसे आसमान की तरफ जो है वो बढ़ रहा हो। क्लास ये था आज का पैराग्राफ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, तो इसको इंशाल्लाह आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे और फिर उसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको लेक्चर नंबर 3 में दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।